मुझे जींस और टी-शर्ट चाहिए। बेटा, लड़कियों को जींस और टी-शर्ट नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना, मेरे हर फ्रेंड के पास है, सिर्फ मेरे ही पास नहीं है। अरे टीना। हाय मम्मी। क्या लाया तो तू अपने साथ? देख मम्मी, मेरे डैड ने मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए हैं। वाओ, सच में देखो सबके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, सिर्फ मेरा ही पेरेंट्स मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी, मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। अरे भाई, मैं बिना कब से मम्मी बन गई। आंटी, मैमुना ओल्ड सा नाम लगता है ना, इसीलिए इसका शॉर्ट एंड स्वीट नेम मम्मी रखा है। क्यों, इतना तो प्यारा नाम रखा है मैमुना। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का नाम था मैमुना। ओ अम्मी, आप तो ऐसे फख्र से बता रही जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम था मैमुना। प्लीज अम्मी, आप भी मुझे मम्मी बोलिए ना, और मुझे जिस अच्छी सा दिलवा दीजिए। मेरी फ्रेंड टीना से पूछ लीजिए, सब फ्रेंड से मेरी मजाक उड़ाती है। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली बात क्या है? आंटी, हमारे स्कूल में एक से बढ़कर एक मॉडर्न लड़कियां हैं, और वहाँ की टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहन कर आती हैं। सिर्फ मम्मी ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते, और सब उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या रहा भाई, कौन किसका हंसी उड़ा रहा है? आपकी हंसी ना हंसी का मौजू बन चुकी है। बस उसकी फ्रेंड का बर्थडे, आप इसके लिए जींस और टी-शर्ट ला दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो जींस और टी-शर्ट पहनेगी? अब पहनना ही पड़ेगा, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों की तरह तो रहना ही होगा, वरना लोग उनका जीना ही दुश्वार कर देंगे। हाँ, तुम्हारा बात भी तो सही है। अमजद भाई की दुकान खुली होगी, चलो बेटा तुम्हारे लिए कपड़े देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डैडी। अब बस क्या, अब बेटिया को भी लड़का बना दोगे क्या? अंगार लगे इसे स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश, दिन से दूर कर देगा इंग्लिश स्कूल। अम्मा, आप अपना गुस्सा ठंडा करो, हम लोग अभी आते हैं, चलो बेटा। इनमें आमाल बिन्यार एजमा आमाल का दार व मैदान ये तो पहले हदीस नंबर 6। इनमें आमाल बिन्यार आमाल का दार व मैदान ये तो पहले। कभी तो अल्लाह का जिक्र किया करो, मेरी छोटी को दे, रोज दिन याद कुछ ना कुछ याद करती रहती है। ओ ग्रैंडमा, डोंट कॉल मी मैमुना, कॉल मी मम्मी, मम्मी अंडरस्टूड? चल हट यहाँ से, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रख दिया है, फजूल का वक्त बर्बाद कर रही है। मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर तिलावत कर ले फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी मम्मी, अब क्या हुआ भाई? ओ ग्रैंडमा, डोंट कॉल मी मैमुना, कॉल मी मम्मी। Tell your mother that to not interfere in my matter, otherwise you will see what I do with her. ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि दादी से खड़ा हो नहीं जा रहा है, इसे वजू खाने तक छोड़ाइए। कमाल है, अच्छी बात बोलती है फिर भी चिल्लाती है। आइए मैं आपको वजू खाने तक छोड़ाती हूँ। मैं छोड़ कर आती हूँ दादी को। हाफिज जी ने कहा था कि कल मैं पूछूंगा कि कल कौन कौन नेक काम करके आया है। चलिए दादी। अल्लाह ख्याल रखे मेरी बच्ची का। दीदी, give respect, take respect. Look, आयशा की बच्ची। क्यों रे मम्मी, आयशा दिन बाद दिन दादी बनती जा रही है। You are so lucky. You have two two grandmothers. Well, listen, we don't go my own because there is no grandma. We can watch movies in the end downstairs. Okay, then let's go. Yeah, mummy, we are going to Tina's house. पूरे 11 बज चुके हैं। मैमुना के वालिदैन मैमुना का इंतजार करते हुए आयशा भी बहन के लिए फिक्रमंद है, इसलिए तस्बीह पढ़ रही है।
हेलो मम्मी बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तू नगर मुस्लिम लड़कों के साथ कटमरीज कर ली? हाय अल्लाह, वो लड़का क्रिश्चियन है। तुमने हमारे आजादी देने का गलत फायदा उठाया है। खबरदार, आइंदा इस घर में कदम भी रखा तो आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। क्या हुआ बेटा? अम्मा सास के बेटा जैसा। तब बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? अम्मा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं बुना नगर मुस्लिम लड़का से शादी कर ली है। क्या ऐसा मत कहो बेटा, मेरा कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मत कहो बेटा, ये मत कहो। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा। अब्बू, अब्बू क्या हुआ है? अब्बू क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? मैमुना की अम्मी को तो होश नहीं है, चलो उसके अब्बू से पूछते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, मैमुना कहाँ है? आखिर वो बड़ी पोती है इस घर? ये सुनते ही अब्बा का सर चकराने लगता है और वो सोचने लगता है, मैं अब लोगों के सामने क्या जवाब दूंगा? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, मैं किस तरह लोगों के सामने सर उठाऊंगा? एकाश के मैं भी मैमुना को इस्लामिक स्कूल में दाखिला करवाता, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सोचते ही वो जमीन पे गिर जाता है। अबू, अबू, दीदी आ जाएगी। अबू, कुछ तो बोलिए। अम्मी, अम्मी कुछ तो बोलिए। दादी उठी है ना? तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? इज्जत हासिल करो मुझसे, वरना एक दिन मेरी तरह तुम्हारा भी इज्जत का जनाजा निकलेगा। दूर रखो अपना औलाद तुम्हारी भी तहजीब से, मत करो अपनी औलाद की तरफ सारे गलत काम। मत